दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सब बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को एकदम शानदार तरीके से, जोरदार तरीके से गति प्रदान कर रहे होंगे। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे दोस्तों रीजनिंग सब्जेक्ट का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक वर्णमाला प्रेक्षण। अब आप कहेंगे सर वर्णमाला प्रेक्षण और रीजनिंग, रीजनिंग वैसा सब्जेक्ट है दोस्तों जिसमें दिमाग की जरूरत होती है। अगर आपकी मेंटल एबिलिटी जोरदार है तो आप इन ऐसे क्वेश्चनों को आसानी से कर लेते हैं, लेकिन जिनकी मेंटल एबिलिटी कमजोर होती है ना दोस्तों, उनको इनमें बहुत ज्यादा चक्कर काटने पड़ते हैं इधर उधर इधर उधर। तो आज की इस वीडियो में सबसे पहले हम देखेंगे ए से लेकर जेड तक, ए से लेकर जेड तक के एल्फाबेट यानी ए बी सी डी को क्रम से याद करेंगे। अब आप कहेंगे सर ये तो एलकेजी के बच्चे को भी आता है कि ए बी सी डी जेड तक, तो लेकिन अगर मैं आपसे कह दूं कि 16 नंबर पर क्या आता है, मैं कह दूं 12 नंबर पे क्या आता है, मैं कह दूं 23 नंबर पे क्या आता है, तो आप क्या करेंगे दोस्तों, कंफ्यूज में डल जाएंगे। तो आप जोड़ेंगे ए बी सी डी, तो ऐसे क्या होता है दोस्तों, कंफ्यूज हो जाता है। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की कोई भी जरूरत नहीं है दोस्तों। आज की इस क्लास में हम उन सभी एल्फाबेट के नंबरों को याद करने की कोशिश करेंगे, किसके साथ में, ट्रिक के साथ में। तो आप सभी का सहयोग ऐसे ही बनाए रखें दोस्तों, और अपने सपनों के लिए लगातार मेहनत करते रहें दोस्तों। एक ना एक दिन दोस्तों सपने आपके जरूर सच होंगे। ऊपर वाला भी आपका क्या पता दोस्तों इम्तिहान ले रहा हो, क्या पता अपनी ये वीडियो के बाद सारी वीडियो हिट हो जाए, क्या पता ये दोस्तों ये वीडियो हिट हो जाए, और क्या पता दोस्तों कि आप एक कदम बढ़ाते ही आप लोग अपनी मंजिल पे पहुंच जाए। और क्या दोस्तों एक आपका डिसीजन कि आज से मैं पढ़ूंगा, तो क्या पता दोस्तों वही आपकी जिंदगी को बदल कर रख दे। तो घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है दोस्तों, आराम से हर चीज को बढ़िया तरीके से हैंडल करते हुए जिंदगी में आगे बढ़ते रहना है दोस्तों। हाँ तो देखते हैं दोस्तों ए बी सी डी। आप कभी दोस्तों भंडारे में गए होंगे तो बाबा की जय जयकार तो सभी दोस्तों ने लगाई है, 1 2 3 4 बाबा तेरी जय जयकार, 1 2 3 4 बाबा तेरी जय जयकार। तो ए आता है एक नंबर पर, कितने नंबर पर आता है दोस्तों, एक नंबर पर। बी आता है 2 नंबर पर, सी आता है 3 नंबर पर, और डी आता है 4 नंबर पर। ये तो सभी को पता है, 1 2 3 4 बाबा तेरी जय जयकार, ठीक है दोस्तों। अब अगला आता है दोस्तों ई। तो अब ई की याद करने की दोस्तों ट्रिक है, ई एक लड़की का नाम है दोस्तों ज्योति। क्या नाम है? ज्योति। क्या नाम है दोस्तों? ज्योति। अब उसे सभी लोग कहते हैं, हमारे गांव की भाषा में ज्योति को ज्योति नहीं कहते, हम कहते हैं ए ज्योति, ए ज्योति, यानी उसका नाम बिगाड़ देते हैं, कहने का मतलब ए ज्योति। अब आपको ई ज्योति नाम से अपनी ट्रिक बन चुकी है, आपको 5 का पहाड़ा तो आता ही होगा दोस्तों। बोलो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 दिया 15, 5 चौके 20, 5 25। ये अपनी ट्रिक बन चुकी है दोस्तों, 5 का पहाड़ा यानी ई कितने नंबर पे आता है? 5 नंबर पर। कितने नंबर पर? 5 नंबर। बोलो ई जोटी जे कितने नंबर पे आता है? 10 नंबर पर। दोस्तों गिन के देख लेना, 10 ही आएगा, 6 7 8 9 10, समझ में आ गया। और ओ नंबर आता है दोस्तों कितने नंबर पर? 15 नंबर पर। कितने नंबर पर है? 15। टी आता है, टी से T20 का मैच आता है, हाँ नहीं आता क्या? T20 वर्ल्ड कप, T20 मैच, और T20 पॉलिसी आता है 2020, हाँ। तो 25 नंबर पर, पांच वाई कितने नंबर पर आएगा दोस्तों? 25। कितने नंबर पर आएगा रे? 25 नंबर पर, यानी ई जोटी, समझ में आ गया है दोस्तों। ई जोटी यानी 5 10 15 20 25, 5 का पहाड़ा बोल दे रहा है। अब आगे एप, एप बहुत ही आसान है दोस्तों, अपन ही कहते हैं क्या अपनी भाषा में फिक्स, क्या बोलते हैं फिक्स। फिक्स से दोस्तों याद कर लेना है 6, फिक्स से 6, 6 का मतलब कितना होता है? 6।
तो F कितने नंबर पे आता है? 6। अगर आपको कोई दोस्तों कोई पूछ ले F कितने नंबर पे आता है, तो आप बोलेंगे 6 नंबर पे आता है। फिक्स F का मतलब फिक्स, फिक्स मतलब 6, 6 का मतलब 6। अब आगे देखें G, G आता है 7 नंबर पर। कितने नंबर पे? 7 नंबर पे। अब इसको क्या ट्रिक है? अरे दोस्तों इसका आंसर तो इसी में छिपा है। कैसे? देखो ये यहाँ पर आकृति कैसी बनी हुई है, ऐसी कैसी बनी हुई है, ऐसी यानी ऐसा करके ऐसा हो रहा है ना। ये वाला हिस्सा देखे, जी का ये वाला हिस्सा सात की तरह बना हुआ, इसका मतलब जी कितने नंबर पे आता है? 7 नंबर पे। अब 8 नंबर पे, 8 नंबर पे आता है दोस्तों एच। अब एच कितने नंबर पे आएगा? 8। अब इसको कैसे याद करें दोस्तों? इसी का आंसर भी इसी में छिपा है। देखो 8 को कैसे लिखते हैं, अगर मैं इन दोनों हिस्सों को आपस में मिला दूं तो क्या 8 बन गया क्या? अरे नहीं बना क्या, 8 को अपन ऐसे तो बनाते हैं, ये 8 बन गए, या ऐसे नहीं लिखे तो ऐसे ही तो लिखते हैं, ये 8 बन गए। तो 8 बन रहा है ना, समझना है दोस्तों। ट्रिक तभी बनती है दोस्तों जब माइंड को भी समझाना पड़ता है कि एच से 8 बन रहा है। अब आई, आई कितने नंबर पे है दोस्तों? 9 नंबर पे, क्योंकि गिनती चल रही है। लेकिन मैं अचानक पूछ लूं कि आई कितने नंबर पे आता है, तो आप सोचेंगे ए बी सी। नहीं, I को दोस्तों अपन ऐसे लिखते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कैसियो राइटिंग में I को ऐसे भी लिखा जाता है? तो ये क्या 9 नजर नहीं आ रहा क्या? तो I कितने नंबर पे आएगा? 9 नंबर पे। कितने नंबर पे? 9। अब आगे के, आपने अगर क्रिकेट के शौकीन है आप लोग तो आपने जरूर एक टीम का नाम सुना होगा, किंग 11 पंजाब, किंग्स 11 पंजाब, किंग 11, किंग्स 11, 11 यानी 11, क्या होता है 11, तो किंग्स 11 यानी 11, और 11 11 के बाद में जे के एल आता है, तो एल कितने पे हो जाएगा अपना? 12। कितने पे दोस्तों? 12। अब एम को कैसे याद करेंगे दोस्त साहब? एम को कैसे याद करें? एम के तो उसी में आंसर है दोस्तों। इधर देखें, एक बिंदी, दो बिंदी, तीन बिंदी, मतलब कि कितना? 13 नंबर पे आएगा। कितने नंबर पे आएगा दोस्तों? 13। अब थोड़ा सा तो आपको भी क्या लगाना पड़ेगा अपना कॉमन सेंस, कि एम तो 2-3 पे तक आता नहीं, 23 में जाता है, कितने पे आता है? 13 पे आता है। कितने पे आता है? 13। आगे देखें एन, अब एन कितने पे आता है? एन आता है दोस्तों 14 नंबर पे। अब 14 कैसे? इधर है, इसी का आंसर इसी में, एक बिंदु, दो बिंदु, तीन बिंदु, चार बिंदु, तो कितने नंबर पे आ गया रे? 14 नंबर पे। कितने नंबर पे दोस्तों? 14 नंबर पे। पी, अब बहुत ही इंटरेस्टिंग, पी यानी दोस्तों प्यार करने की उम्र होती है 16 की, इसकी 16। दोस्तों अपने को कोई भी ऐसा काम नहीं करना है, लेकिन ट्रिक तो बनानी है। तो वास्तव में यही होता है कि दोस्तों 16 साल का लड़का या 16 साल की लड़की, यही उम्र होती है वास्तव में प्यार करने की। तो प्यार करने की उम्र कितनी होती है? 16 साल। तो याद हो जाएगा ना, पी यानी प्यार करने की उम्र 16। क्यों? अब आपको पता है कि 17 पे खतरा आता है, क्या आता है? खतरा। और रानी, क्वीन, क्वीन यानी होता है दोस्तों रानी, क्या होता है? रानी, क्वीन यानी रानी, और रानी क्वीन होती है दोस्तों 17। क्वीन 17 है तो राजा क्या छोटा होगा या बड़ा होगा? आप कहेंगे सर राजा तो बड़ा होगा, तो राजा कितने पे आ जाएगा? 18 पे। कितने पे आ जाएगा रे? 18 पे, ठीक है। रानी क्वीन कितने की है? क्वीन कितने की है? 17। राजा 18। क्वीन कितने की? 17। राजा 18। अब दोस्तों औरत को और एक और कहते हैं स्त्री, क्या कहते हैं? स्त्री। स्त्री कितने साल की होती है? 19 साल की। कितने साल की? 19 साल की। कितने साल की होती है दोस्तों स्त्री? 19 साल। क्योंकि 18 साल की लड़की को दोस्तों मतदान का अधिकार प्राप्त हो जाता है, 18 के साल के बाद वाली लड़की को अपन कह सकते हैं कि ये क्या है, एक समझदार औरत है या समझदार स्त्री है। तो एक साल का एक्सपीरियंस होगा तभी तो उसको हम क्या कहेंगे? स्त्री। एस कितने पर? 19 पर। 19 पर स्त्री। और T20 20। और दोस्तों क्या आपको पता है एक आदमी को मतदान का अधिकार कब
प्राप्त होता है 18 पे। लेकिन दोस्तों उसकी शादी कब होती है, आदमी की शादी कब होती है, जब वो कितने साल का हो जाता है, 21 साल का। तो युवा किस उम्र में माना जाता है, आदमी 21 साल का, युवा 21। और दोस्तों जब 21 साल का युवा हो जाता है तो एक साल बाद ही उसका क्या कर दिया जाता है, विवाह कर दिया जाता है, यानी 22 क्या हो गया दोस्तों, 22। और आप देखना दोस्तों पीछे का तो आपको याद ही है, WXYZ हिंदी यानी इंग्लिश में टोटल होते हैं अल्फाबेट 26 और पीछे ये आगे के तो 1-2-3-4, 1-2-3-4 यानी आप कितने आएंगे 23। लेकिन दोस्तों इसकी भी बहुत ही बड़ा ट्रिक है, वो क्या है ट्रिक सर, आपको पता है कि हमने एन को कितने नंबर पे लिखा है, 13 नंबर पे, कितने नंबर पे 13। और अब दोस्तों डब्ल्यू क्या है, डब्ल्यू एम के जैसे आकार में क्या कर दिया उल्टा, तो इसमें 10 जोड़ दे क्या आ जाएंगे 23। तो एम कितने पे, क्योंकि एम को अपने को पता है 1-2-3 13 नंबर पे, तो 10 जोड़ दे क्या हो जाएंगे 23, क्या हो जाएंगे 23। और एक्स वाई जेड क्या हो जाएगा 24 और जेड जितनी पे आता है 26। आ गया समझ में। अब आपको दोस्तों कोई भी पूछे कि डी कितने नंबर पे आता है, तो 4 नंबर पे आता है, और आई कितने नंबर पे आता है, आई में छोटे से राइटिंग में कैसे लिखते हैं, आई को ऐसे, आई का मतलब 9। अगर कोई कह दे कि दोस्तों एम कितने नंबर पे आता है, तो 13 नंबर पे आता है। अगर आपको कोई कह दे 17 पे क्या आता है, तो रानी क्वीन, क्वीन यानी रानी क्वीन कितनी पे आती है 17 पे, कितनी पे आती है दोस्तों 17 पे। आपको कह दे राजा कितने पे आता है, आर मतलब की 18। और आदमी युवा कब हो जाता है शादी करने योग्य 21, युवा 21। और शादी कब हो जाती है एक साल बाद, तो विवाह कब हो जाता है 22 साल में। और विवाह के बाद आदमी एक नहीं रहता है, कितने आदमी हो जाते हैं 2-2। समझ गए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी है दोस्तों तो लाइक कमेंट करना ना भूलें। और इसी के साथ वीडियो का अंत करते हैं, बाय बाय, टेक केयर।